नहीं, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि एक अभी ना जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो हालत है उसमें नए लड़के लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा अच्छा काम अच्छा अच्छा म्यूजिक लेके आ रहा है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने जितने भी देखा इसमें असलम को मैंने देखा एक चीज़ कि ये लोग ना मॉडर्न थिंकिंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या एक मेलेडी को रख के करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मेलेडी के साथ म्यूजिक कर रहे हैं। एंड मेलेडी ऐसा एक चीज़ है कि कभी नहीं मरती, और मेलेडी हमेशा चलते रहते हैं हमेशा। तो असलम को मैंने देखा कि इन्होंने जो गाना किया इसमें भरपूर मेलेडी है, लिरिक्स राइटर को देखा एक स्टोरी टाइप का लिखने का कोशिश किया, बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, एक स्टोरी हो गाने में। हर गाने में पहले यही सही होता था ना, एक गाना सुन के पता चल जाता कि गाने में क्या बोलना चाहता है, क्या हो रहा है सिचुएशन। तो इस गाने में भी ऐसा ही लगा, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर का नाम है प्रवीण गुप्ता, प्रवीण ही तो है, हाँ प्रवीण गुप्ता, प्रवीण गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया। लिरिक्स राइटर जैसे कि तनवीर गाजी साहब जिन्होंने ये लिरिक्स लिखा, टोटल एक टीम वर्क जो है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आई एम सो हैप्पी विद दैट सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली इसका हमारे फैंस जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सुने, ज़रूर सुन के वो डिसाइड करें। एंड सबने अच्छा काम किया। जिस तरीके से आपने नए टैलेंट की बात की, मैं आपसे उन दिनों पुराने गानों को रीअरेंज रीक्रिएट करके हम कभी भी बीच में लाया जाएगा, दूसरी तरफ नए टैलेंट आ गए, नए गानों को नए लिरिक्स को हमारे बीच में लेकर आएगा। आप किस तरीके के गानों को रिलीज कर रहे हैं? देखिए पुराने गाने को लेके रिमिक्स हो रहा है और ये जो हो रहा है ये भी कुछ ख़राब चीज़ नहीं है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इसका साइड आप अगर देखोगे तो। क्या होता है कि कुछ आज का जनरेशन जो है वो पुराने गाने जो जिसको लेके हम रिमेक कर रहे हैं, क्या है कि पुराने गाने उनको शायद मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि ये नया गाना नए रूप में आ रहा है, वो पुराने गाने तो उसके वजह से ये जान पाते हैं कि हु इज़ द सिंगर, हु इज़ द लिरिक्स राइटर एंड हु इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर, वाज़ द म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक पॉजिटिव थिंग है कि उनको मेलेडी को लेके ये लोग रिमेक कर रहे हैं। मेलेडी इतना हिट था उस मेलेडी को लेके, ऐसा नहीं कि पुराना उल्टा पल्टा गाना कोई नहीं, मेलेडी को लेके कर रहा है, जो गाना हिट है, जो गाना हम लोग उस 90s में 80s में 70s में जो लोग सुनते थे जो गाने, उस गाने को अभी 2023 में लेके आ रहे हैं। तो आप सोचो कि इतना साल बाद उस गाने में कितना दम है जो आज भी लोग उस रिमेक को सुन रहे हैं। तो आई थिंक के इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट सिमल्टेनियसली न्यू कमर्स जो लोग आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम जैसे सिंगर हो या हम जैसा बहुत सारे प्रोड्यूसर है, इन लोगों को चांस देना चाहिए, इन लोगों को सुनना चाहिए कम से कम। लिरिक्स राइटर हो या न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर हो, उनको सुनना चाहिए। आई रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इन लोगों को, नए लोगों को सुने, और नए लोगों को देखिए हम हमारा काम कर रहा है, हम नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नए लोगों के साथ बहुत सारे गाने मेरा रिलीज़ हो रहा है एक के बाद एक, आप देख रहे हैं यूट्यूब में, तो हम तो कर रहे हैं, बाकी काम जिनका है थोड़ा वो लोग भी करे तो फिर मज़ा आ जाए। जैसे कि आपने मेलोडी की बात की, सर आपकी गानों की मेलोडी बात की, ऐसा कोई आपका एक गाना जो आप चाहते हो कि आप फिर से एक बार 2023 में रेडियो स्कोर में बंद करा के सारे गाने बहुत है यार, तो आपको कोई एक और हजारों गाना हजारों गाने चाहिए? हैं ऐसा जो रिक्रिएट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ये लोग पर्टिकुलर कुछ कुछ गाने को उठाते हैं, एक दो गाना जैसे कि आप देखा होगा मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये मेलोडी से ये अच्छा है, उस समय हिट था, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मेलेडियस सॉन्ग्स जो है मेरा है, तो उनको भी अगर लेके आएगा तो आई विल बी हैप्पी। आपसे जानना चाहेंगे हम एक्टर भी वर्क करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका स्वैग दिखा स्क्रीन जैकेट एंड ऑल, कहीं कह सकते हैं 24 में आपके गाने के रीमेक में आप ही एज एन हीरो आ जाए और नहीं, हम तो देखो अरे हम सबसे बड़ी बात है कि हम हीरो बनने के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती हम आप बनना चेहरे में देखे सर लगेंगे नहीं, आप ठीक है ठीक है स्वैग जैकेट एंड ऑल ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी हो जाते हैं वो फोटो 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 अच्छा ले लिया होगा तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जिनका काम उसी को करना चाहिए। हीरो देखो ये अपना जो शरत है इसमें लग रहा है कि कुछ कर रहा है, वो एक्टिंग बोलो या उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो
बॉडी मूवमेंट है सब कुछ, ठीक है हीरो ठीक है वो हमें आप मजाक में बोल दिया ठीक है इट्स ओके, हमें कोई देखो हमें कोई बोले तो हम क्या, हम पियानो बजा के गा सकते हैं। हमारा एक गाना रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, पियानो बजा के एक गाना हमने रिलीज़ किया था, एक गाना समझ लो कोई चल के जा रहा हूँ बस इतना ही, वो ऐसा हीरोइन के साथ लपक झपक ना माफ करना भाई। हाँ बनने दो ना, जो बन रहा है बन रहा है ना, हमें नहीं बनना है। सर जी क्या कहना चाहोगे आप गाने के जी? आप हिस्सा बने कुमार सानू की आवाज का प्रॉब्लम। बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हीरो और एक्टर का सपना होता है कि द लेजेंडरी सानू दा का वो एक गाना करे, तो मेरा वो सपना पूरा हो गया। दादा बिल्कुल, आई थिंक वो म्यूजिक वीडियो पूरा हुआ है, मैंने सपना अभी थोड़ा बाकी है, वो फिल्म में पूरा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह का किसी दिन वो भी होगा। बट थैंक यू दादा कि आपने जो जिस तरह से अपना लेजेंडरी जो अपनी आवाज़ हमें दी है, प्रवीण जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका डेब्यू है, आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक असलम भाई, तनवीर भाई, एवरीबॉडी, एंड ऑब्वियसली टू टॉप इट वी हैव द माएस्ट्रो। तो आई थिंक पूरी टीम ने बहुत टीम टोटल टीम वर्क होता है, बहुत मेहनत की है। एंड आई थिंक जो आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो हमारे एडिटर बैठे हैं पीछे मिराज भाई, आई थिंक एवरीबॉडी, आई थिंक सब ने बहुत मेहनत के बाद ये आपको दिखता है। तो उसके बाद जो कहते हैं ना जो जो आइसिंग ऑन द केक, वो फिर दादा हो जाते हैं एकदम, कि उसके बाद तो एकदम सब कुछ रेडी हो जाता है, इट्स रेडी टू पूरे दुनिया को। बट टोटल टीम वर्क है जी, हम तो मानते हैं इसको। अब तो गोली मार दी ना, अब स्टोरी क्या है फिर? वो तो फिर आपको डायरेक्टर बता सकते हैं टू बी कंटिन्यू है कि नहीं। वो चाहते हैं कि अब मैं चीट करूं कि नहीं करूं। नहीं ये सस्पेंस रहेगी। हां जो सस्पेंस है जी, बाहुबली को किसने मारा। जी शरद जी एक सवाल मेरे मन में है कि आपके कोई भी गाने को एक मैसेज जाता है ऑडियंस को? भाई इसमें कोई मैसेज नहीं है, क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि मैंने एक चीज मैंने नोटिस की पूरे गाने में कि हम किसी को चाहते हैं और उसको हम वो अपने से दूर जाता है। भाई इतना लंबा करने की कोई दागा दागा करोगे तो गोली खाओगे, गोली खाओगे, सीधी बात है। इतना हाँ इतना लफड़ा करने की, दोनों कलकत्ता से हैं, हमें यही समझ में आता है दागा खाओगे कोलकाता गोली खाओगे, सीधी बात है ना, दागा करोगे तो गोली खाओगे, सीधी बात। वो तो सस्पेंस है, अभी बोला सर ने, ये तो सस्पेंस है, किसको मारा? वो पार्ट 2 में दिखेगा आपको। बॉयफ्रेंड को मारा या लड़की को मारा, किसी को पता नहीं चला ना, ये दिस इज सस्पेंस। आपको मैं चाहिए वो सेकंड पार्ट में तो बॉयफ्रेंड मर जाएगा। नहीं आज ये इंटरव्यू में है, मतलब ये मरा नहीं, मरी नहीं। जी आपके अगर गाने उठा के देखें तो अक्सर आपने प्यार में दर्द कहा है, अक्सर है, लेकिन आप इधर आज आपने डेब्यू किया तो आपने पेडी की शरद करके आज नीचे जाकर तो मैं हेल्प करता हूँ, इधर गोली होता है आपके अंदर, हेलो शरद सर, जो बदला था आज तक सारा पूरा कर, वो पूरा हो गया एक ही बार में, बहुत बहुत सहतारा आप गोली मार दी। मैम आपसे मैं जाना चाहूँगा, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी लास्ट मिनट दो दिन पहले आई थिंक आई गॉट अ कॉल एंड शरद ने कहा कि तुमसे एक बार गाना सुन लो, बोला ठीक है। एंड जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी उस पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि टू द सिंगर बिकॉज ऑब्वियसली, एंड आई सेड यस लेट्स डू इट। सेट पर गई एंड थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्या हो रहा है, लेकिन जैसे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि काफ़ी एंड सॉन्ग डॉक्टर जी इन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है एंड द लिरिक्स आर अमेजिंग बाय तनवीर जी। इनफैक्ट ये शूट करने के 3 हफ्ते तक मैं ये गाना बस गाती रहती थी एंड मुझे लोग पूछते थे कौन सा गाना गा रहे हो, आपको क्या हो गया है, कहाँ सुन लिया आपने ये गाना, एंड आई वाज लाइक नहीं ये कुमार सानू सर का गाना है एंड ये हिट जाएगा, आप लिख कर ले लो। एंड इट वॉज अमेजिंग म्यूज़िक असलम जी, वेरी वेरी अमेजिंग। एंड And also special thanks to Faisal. Faisal ने he is the one जिन्होंने make sure किया कि ये पूरा team साथ में रहे and ये output अच्छे से आए and yeah all in all it was a very surprising yet
थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. कुमार सर, जैसे आपने कहा कि दगा करेंगे तो गोली मार देंगे, आप किस तरीके के प्यार पे बिलीव करते हैं? बहुत दिन हो गया अभी इस बारे में ना पूछो तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि प्यार का मतलब मैं ये समझता हूँ कि सिनेमैटिक जो होता है ना, वो एक किस्म का होता है कि आप बगीचे में गाना गा रहे हो, बारिश में भीग के दोनों रोमांस कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है. प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि लव इज़ अ, मेरे ख्याल में इट्स अ, नाउ इट इज़ गिव एंड टेक, बट इट इज़ सेक्रीफाइस. लव ऑलवेज सेक्रीफाइस से जाना जाता है कि वो लव लव है. तो एक होता है सेक्रीफाइस, एक तो होता है सेक्रीफाइस, दूसरा होता है ड्यूटी. ड्यूटी भी आता है बाद में, तो सेक्रीफाइस से वो ड्यूटी आता है. तो लव लाइक के हमको अगर पूछेंगे तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि इसमें एक ड्यूटी होना चाहिए, इसमें एक दूसरा जो पॉइंट बोला वो होना चाहिए. दादा, 80-90 का जो दौर था, क्या धीरे धीरे वापस आ रहे हैं गाने, मेरे पुराने गाने जो हैं? और वाला करे कि वापस आए, ताकि हमारे समाज में भी थोड़ा सुधार आए. हाँ, क्योंकि 80s-90s के बोल के नहीं, मेलोडी वापस आए बस, बहुत बड़ी बात है. 80s पूरे गाना खराब कर दिया था रिमिक्स मार के. आप बोल रहे हैं खराब कर दिया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तो बहुत नाचा, बहुत रोमांस किया. अभी आप कौन किसका क्या है ये देखिए, अभी रीमेक होता है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो ये तो क्रिटिसाइज तो होगा ही, एंड डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल सिंगर के साथ कंपेयर किया जाता है. आई थिंक वो करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के सिंगर का वो अपने हिसाब से गाते हैं, अपना आज का समाज के हिसाब से गाते हैं. हम उसी समाज के हिसाब से गाए थे जिस समय हमारे उस, तो वो एक कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है. ये सब जो कंपैरिजन चलता है ना, अच्छा बुरा, ये सब एकदम हंसी मजाक वाली बात होती है, ये कोई मतलब ही नहीं होता है. कौन अच्छा कौन बुरा, ये कोई इसका मतलब ही नहीं है. हम हमारा जगह बना के रख दिया. और भी लेजेंडरी सिंगर्स बहुत सारे हैं हमारे इधर, वो अपना जगह बना के रख दिया. अभी समझ लो, उससे मैं अगर 2000 गाना ज़्यादा गाया, इसका मतलब मैं उनसे बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वो हमसे पहले आए, वो अपना जगह बनाया, हम उसको फॉलो किया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. लेजेंडरी का एक मतलब होता है कि आप समाज को कुछ दे रहे हो, यू हैव टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी. तो सबसे बड़ी बात है वही है कि तुलना हम किसके साथ क्या करेंगे. अभी आज भी अच्छा गाना बन रहा है भैया, ऐसा नहीं कि अच्छा गाना नहीं बन रहा, आज भी अच्छा गाना बन रहा है. बहुत सारे फिल्मों में हमने अरिजीत सिंह को सुना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उनका आ रहे हैं. के तो बहुत ज़बरदस्त था उनका, इतना अच्छे अच्छे गाने हम लोगों ने सुने. तो नहीं है ये गलत बात है, आज भी है, लेकिन लेस क्वान्टिटी. आप बोल सकते थे कि 90s में 80s में 10 के 10 गाना हिट हो जाता था, 10 में से 8 गाना हिट हो जाता था. आज चलो 2 ही गाना हिट है, एक पिक्चर में 1 गाना हिट हो रहा है, लेकिन क्या है कि है मेलोडी है, अगर तवज्जो देंगे लोग पसंद करेंगे. डिपेंड्स ऑन क्राउड, डिपेंड्स ऑन पब्लिक. बट दादा, हम अगर आप बात करें इंडियन आइडल की, हम बात करें हाल ही में मुकेश जी का 100 ईयर्स सेलिब्रेट किया, इतने अच्छे से गाना गाया सब ने, काफ़ी बार आप भी इमोशनल दिखे थे, एज एन ऑडियंस मैं भी काफ़ी एक बार इमोशनल हो गया था. अब जो नए टैलेंट आ रहे हैं, जो पुराने गाने गा रहे हैं, इतने अच्छे से गा रहे हैं. पिछले साल की अगर मैं बात करूं, ऋषि जी ने इतना बेहतरीन सिंगिंग किया, उन्होंने खिताब भी जीता. आप अगर कुछ बताना चाहो, इस बार जो टैलेंट आया है, स्पेशली जो लड़कियों की टीम है, उतना अच्छे से गा रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना? देखो, एक बात क्या है कि ये सब यंग लड़के लड़की लोग हैं, ये लोग जो पुराने गाने को गा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. राइट, कि जब पुराने गाने को इस एज की लड़कियां, इस एज की लड़के, जो आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले जो गाना बना, जो गाना हिट हुआ था, उस गाने को आज इस तरह से निभा रहे, ये खुशी है, संतुष्टि है कि ये लोग नए गाने को तो गा ही रहे, साथ साथ में पुराने गाने को भी गा रहे. तो ये एक संतुष्टि की बात है. दे आर ऑल वेरी गुड सिंगर्स. हमारे जो इस बार का जो पार्टिसिपेंट हम लोगों को मिला, आई थिंक के इंडियन आइडल में ये बेस्ट टैलेंट है, लोगों ने इस बार ढूंढ के लाया, इसलिए शो भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इट्स गुड थिंग.
शरद जी आप कोई ऐसे गाने में रिक्रिएट हो जब सर फिर से एज अ सिंगर, तो ऐसा कौन सा गाना होगा क्योंकि सर के इतने सारे रिक्रिएट करना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, रिक्रिएट के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं हाँ बिल्कुल मैं समझ जाता था वो बार बार। देखिए ऐसा है कि जैसे अभी दादा ने भी कहा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, रीमिक्स रीमिक्स होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आई थिंक दादा ने जितने भी गाने गाए हैं आई थिंक उनको ना छेड़े तो हम बेटर है। अगर छेड़ें तो ऐसे छेड़ें कि वो शायद पहली बात तो उनसे पूछा जाए कि हम छेड़ें या ना छेड़ें। लोग आजकल बिना बोले ही छेड़ देते हैं गानों को। तो आई फील वो गाने इतने हिट हुए उस टाइम पे जब ऑटो ट्यून वगैरह कुछ नहीं था, बहुत सारी मिक्सिंग टेक्निकलिटीज बहुत डिफरेंट थी। तब इनको हम लेजेंडरी कहते हैं। तो लेजेंडरी के पीछे बहुत बड़ी बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे दादा ने भी कहा कि किसी को लेजेंडरी कहना इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम डेफिनेटली फॉर मी इट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक अब तक का मैंने जो इतने वीडियोज़ किए हैं ये प्रॉब्ली फॉर मी इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इज दादाज वॉइस इज़ देयर। तो डेफिनेटली यार मतलब इतने सालों के बाद जो इन्होंने मेहनत की है तभी इनको आज ये किताब दिया गया है। तो आई थिंक ओरिजिनल्स आर ओरिजिनल और रिक्रिएट अगर कर रहे हैं तो उनसे परमिशन लें और फिर जैसे इनको चाहिए वैसा रिक्रिएट हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना रिक्रिएट तो कोई भी कर देता है आजकल किसी भी गाने पे। हम आपकी अगर बात करें कौन सा गाना है दिल के काफ़ी करीब है कुमार जी का, कौन सा गाना है? आई थिंक यार इनके गाने सुन के तो बड़े हुए हैं यार। आई थिंक देखिए अब टाइम में स्कूल टाइम में गुनगुनाते हैं वो तो यार मतलब हम सबका फेवरेट है यार। आई थिंक द ऑल टाइम आई थिंक एवरग्रीन सुपर डुपर बम्पर हिट आशिकी। आई थिंक इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता आई थिंक आज तक का इतने डेकेड्स का। तो दादा बोलेंगे गाने के लिए मत गाइएगा प्लीज। मैं खबरदार मैंने पहले ही बता दिया था बट आई थिंक जो 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 जिस जी सिर्फ गनी उठाई है भाई वो मुझे पूछे हाँ मतलब मैं पास खड़ी थी हाँ आई थिंक देखिए वो गन उठाने के लिए ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड थैंक यू दादा वंस अगेन कि आप आए। तो कितने चांद लग गए पता नहीं 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 चांद की बात छोड़ो देखो ऐसा तुम लोग जब भी करोगे हमें याद करो हम आ जाएंगे हम गा जाएंगे और साथ में ऐसा बैठेंगे भी आप लोगों के साथ। द गन शॉट ऑनेस्टली नहीं वो बेड सीन के बारे जाना चाह रहे हैं वो गन शॉट में इंटरेस्टेड नहीं उन्होंने बारह पूछा सीन बताइए मैंने आगे का दिखाया आगे पूछ रहा द वॉक ओके आई स्टार्ट विद द वॉक। जब मुझे बोला गया था वॉक करना है आई थिंक नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग इट बट आई एम एन एक्स मिस इंडिया आई बीन अ मॉडल आई एम एन इंटरनेशनल मॉडल सो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दे सेड हाँ इसको बोलते हैं थोड़ा मटक मटक के चलो फर्स्ट टेक एंड जब कट बोला गया उसके बाद पूरी स्टोरी चेंज हो गई। आई बी वेरी ऑनेस्ट एवरी वन केम टू मी एंड देयर लाइक आई एम लाइक क्या हुआ लाइक अब दिख रहा है अब पता चल रहा है तुम्हारे टैलेंट्स एंड काफ़ी मज़ा आया। इन्होंने भी काफ़ी मज़े किए बार बार वो टेक लेकर बट इट वॉज फन आई वॉज रियली होपिंग कि वो हो शॉर्ट एंड वो शॉर्ट था एंड जैसे हम लोग बार बार गाना गा के उसको अच्छा करते हैं ना हाँ, तो हाँ, ये बार बार रिटेक किया बहुत अच्छा है थैंक यू। सेकंडली कमिंग टू द गनशॉट सीन इट वाज फॉर मी एज एन एक्टर इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद द एम्यूनिशन। तो शरद वाज बीइंग वेरी वेरी केयरफुल ऑफ मी कि लवीना थोड़ा दूर खड़े रहो इतना पास मत आओ इवन दो इंस्ट्रक्शंस थे आपने देखा भी होगा मैं काफ़ी पास खड़ी थी। He was being very careful and thank you. I told him that on the set as well. And it was very surreal because wo live location tha because it was not just three of us actors acting. Kaafi background mein movement tha to agar ek kuch galat ho jata hai to we had to you know keep doing everything perfectly again. So that was nice. Wo real ekdam feel ke saath aaya wo shot. And jo other aap romantic scenes bol rahe ho to uske liye obviously अननेसेसरी क्राउड वॉज नॉट ऑन द सेट सो इट वॉज शॉट वेरी डिसेंटली हम हमारे ही कुछ अलग ही गाना लगाकर कुछ कर रहे थे सेट पर वी हैव आवर ओन मेमोरीज बिहाइंड द सीन्स बट इट वाज फन एवरीथिंग वाज डीसेंट। आखिर आपको बचा ही नहीं वो मैं नहीं बता सकती मुझे खुद को नहीं पता ना यार सर बचाने के पीछे क्या राज है ये अभी
अभी बचाया नहीं हमने किसी को, अभी किसी को नहीं बचाया हमने, अभी रिवील कुछ नहीं करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट गाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, वो बेसिकली देख रहे हैं कि मेरे तरफ से गाने में कितने व्यूज आते हैं, तो अगर मारना नहीं है तो मुझे सेकंड सॉन्ग में दे दे। देखो, एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को, ये बहुत बोलना बहुत ज़रूरी है कि एक गाना ना, इस गाने के बारे में आप कुछ अच्छे बातें अगर लोगों तक पहुँचा सकते हो, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि देखो, ये आप लोगों के हाथ में डिपेंड करता है कि आप लोग इस गाने को क्या रिव्यू देते हो, किस तरह से आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, लोगों को बताओ कि ये गाना अच्छा गाना है, आप सुनिए। तो इट डिपेंड्स मैक्सिमम पोर्शन ऑन यू, बाकी तो पब्लिक तो बाद में सुनेंगे, पहले आप लोग हो जो आप हमारे और पब्लिक के बीच में, आप बीच में हो। सो प्लीज़ आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है ये कि ये इस गाने को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लोगों को सुनाइए और इसके बारे में बताइए, गाने के बारे में, ताकि लोग सुने। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाद में पता चला कि नेक्स्ट डे सुबह से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आता है। मैं मैक्सिमम आपको जो सच है बता रहा हूँ, कुछ कुछ एक दो आ जाता है, कहीं कहीं छोटा मोटा कोई जगह पर कोई पता भी नहीं चलता, लेकिन आप इसको फैलाओगे तो एक क्रांति टाइप का होगा कि मेलेडी को आप बाहर आने के लिए आप भी एक सहयोग दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। सो ट्राई टू डू दैट प्लीज़, मेरे तरफ से। और कोई क्वेश्चन? और आपने पूछा था कि इस गाने मैसेज क्या है, तो मैसेज तो साफ है, बोल दिया ना, भी कहा कि प्यार करो तो फिर एक तरफा करो, एकदम तोड़ के करो, तोड़ देंगे। या फैंटास्टिक, मैं पहले ही बताया, वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, गाने तो मैंने गा दिया था और बाद में गाना मेरे को टीजर वगैरह भेजा था, टीजर देख के मेरे को इंटरेस्ट हुआ और मैंने बोला कि असलम यार, बोला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मैं बोला ठीक है, वो मेरे को बोला कि दादा आपको आना पड़ेगा, मैं बोला 100% आएंगे, कितना भी काम रहे कुछ भी रहे, तो मैं आया और देखा पूरा वीडियो। देखने के बाद मेरे को लगा कि सब ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छा दोनों का केमिस्ट्री एंड डायरेक्शन जो है, जो उसमें जो खूबसूरती है कि एक स्टोरी, खूब सुंदर एक स्टोरी सामने आ रहा है, कुछ अनकही कुछ कही कुछ अनकही, ये बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए, एक डायरेक्टर का ये क्रेडिबिलिटी आपको जाता है। यू आर फैंटास्टिक जॉब यू हैव डन। दादा, वो लवीना पूछ रही है वॉक कैसी लगी? वो बहुत गौर से नहीं देखा मैंने। हाँ, आप बताइए ना कैसे लगा आपको।
जनरेशन